हेलो व्यूवर्स, मैं रिदा आप लोगों का फिर से स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल पर। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मैं 2.5 मीटर कपड़े में किस तरह से एक सिंपल सलवार बनाऊंगी जिसके गैदर्स काफी फ्लेयर में आएंगे। बहुत ही अच्छी दिखने वाली सलवार मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इसकी कटिंग होती है। तो गाइस देख लीजिए, मेजरमेंट मैंने इस तरह से मेजरमेंट लिया है। अगर आपका मेजरमेंट कुछ और है तो उसी हिसाब से आप अपनी कटिंग कीजिएगा। देखिए, मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, ये क्रेप फैब्रिक है और आप जो भी फैब्रिक लीजिए उससे कोई इशू नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कुछ टिप्स का जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। देखिए, मैंने इस कपड़े को खोला है और जो लेंथ साइड है ना, लेंथ साइड से मैं इसे पकड़ूंगी, यानी कि एक कोने से दूसरे कोने को मैं अटैच करूंगी। तो गाइस ध्यान रहे, जिस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ उसी तरह फोल्ड कीजिएगा। ताना बाना साइड यानी कि कन्नी साइड को ही फोल्ड करना है आपको। ध्यान से देख लीजिएगा कि यहाँ पर किस तरह मैं फोल्ड कर रही हूँ। ये चूक पूरा 2.5 मीटर की जो लेंथ है इसकी, मैं इस पूरे 2.5 मीटर को इसी तरह फोल्ड करूंगी आगे तक। और आपको कपड़ा बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है, बराबर करके रखना है आपको कपड़ा। देखिए, मैं पूरी लेंथ को इसी तरह फोल्ड करूंगी ताकि कपड़ा कहीं से भी इधर उधर ना हो और पूरा कपड़ा बराबर हो। तो इसी तरह से आपको पूरे कपड़े को समेट कर रखना होगा। और इसके बाद में इसमें निशान लगाऊंगी, मेरी जो सलवार का जो भी लेंथ है और मोदी का जो लेंथ है, मैं इसमें अभी इसका निशान लगाऊंगी। पहले मैं इसे पूरी अच्छे तरीके से सेट कर लूंगी हर तरफ से, कहीं से कपड़ा इधर उधर ना हो या झोला झाला ऐसा ना हो। मैं इस चीज़ का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखूंगी और आपको भी मैं यही बताऊंगी, आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का ताकि कपड़ा जब भी आप कटिंग करें तो छोटा बड़ा ना कट जाए। तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना होता है कटिंग करने से पहले। मैंने इसको सेट कर लिया है, तो अभी हम यहाँ पर एक पैर की ही कटिंग करेंगे। और पहली बात कटिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले निशान लगाएंगे एक ही पैर का। मैं आपको बताऊंगी किस तरह निशान लगाना है, ऊपर ऊपर निशान लगाना है। उसके बाद आपको कपड़े को डबल कर देना है, यानी कि फोर्थ फोल्ड में कर देना है। जब ये फोर्थ फोल्ड हो जाएगा तो अपने आप दोनों पैरों की कटिंग एक साथ हो जाएगी। आपको अगर कंफर्टेबल नहीं लगता है, आप सोचते हैं कि एक ही करके कटिंग करें, क्योंकि कभी कभी कोई इंसान जब पहली बार कटिंग कर रहा होता है उसे डर लगता है, तो उसके लिए ये भी है कि वो एक एक करके भी कटिंग कर सकता है। तो सलवार की जो मैंने लेंथ आपको बताई 38 इंच, ठीक है, जो मैं सलवार बना रही हूँ ये मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 38 इंच का है। तो 38 इंच टोटल सलवार का आता है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ हमारी जो बेल्ट है वो 9 इंच की बनती है, ठीक है। सभी बेल्ट को हम 9 इंच ही कटिंग करते हैं क्योंकि उसमें मार्जिन वगैरह सब कुछ ऐड होता है। मार्जिन वगैरह हटाने के बाद ये 6 इंच की आपकी बेल्ट बच जाती है। तो जो 9 इंच आपका है, आप उस 9 इंच को 38 इंच में से, यानी कि फुल लेंथ में से बेल्ट की लेंथ को माइनस करेंगे, क्योंकि आप हमेशा बेल्ट अलग से ही लगाते हैं, तो इसका मतलब यही है कि ना बेल्ट को माइनस करना होगा। तो 38 इंच में से आप माइनस करेंगे 9 को, और उसके बाद 3 इंचेस का एक मार्क करेंगे, यानी कि 3 इंच का मार्जिन लेंगे जिससे मोहरी आपकी बनाई जाएगी। आप चाहे तो 38 इंच पर भी कट कर सकते हैं और उसके बाद अपना मार्जिन के लिए अलग से कपड़ा ऐड कर सकते हैं, यानी कि मोहरी बनाने के लिए अलग से कपड़ा इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। या तो आप इसी में अटैच कर लीजिए या फिर आप अलग से ले लीजिए, तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको इसी में बता रही हूँ, अलग से नहीं बताऊँगी मैं आपको। कपड़ा है हमारे पास तो अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, इसी तरह से सीधा निशान आप दोनों तरफ से मेज़र कर लीजिएगा, ठीक है। 38 इंच पर यहाँ मार्क, सॉरी 41 इंच पर मार्क हो रहा है, और 41 इंच पर इस तरह मार्क करना है कि आप अपना इंची टेप लीजिए, इंची टेप के 9 इंच के बाद से आप मेज़र करना शुरू कीजिए, यानी कि 9 इंच आपको माइनस करके रखना है इंची टेप को अपनी इस कपड़े पर। क्योंकि अगर आप फुल लेंथ इसमें ले लेंगे तो फिर आपकी जो बेल्ट का है वो भी इसी में कवर हो जाएगा और आपकी सलवार गलत कटे हो जाएगी। तो मोहरी का मैं बता देती हूँ, मोहरी लेनी है आपको, मेरी मोहरी के हिसाब से मैंने 8 इंच लिया है। अगर आपको ज़्यादा लंबी लगती है 8 इंच, तो आप उसके अकॉर्डिंग से आप अपना 7 इंच भी ले सकते हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन आपको रखना पड़ेगा। तो देखिए, ये आसन है, आसन आपको लेना है ऊपर से लेकर नीचे तक 15 इंच, जिस तरह मैंने मेजर किया है उसी तरह आपको मेजर करना है 15 इंच पे,
और इस तरह इस निशान को मोरी के निशान को अपने आसन के निशान तक सीधा करना है। इस तरह क्रॉस करके आपको यहाँ पे निशान लगाना है। ये देखिए, एक पैर की निशान मैंने बताया, इसको मैं अब डबल कर दूंगी तो दोनों पैरों की कटिंग जो है एक साथ हो जाएगी। आपको ये कपड़ा अंदर से डबल फोल्ड में फोल्ड करना है। इससे क्या होगा, ये फोर्थ फोल्ड हो जाएगा और आपकी दोनों पैरों की कटिंग एक साथ हो जाएगी। अगर आपको लगता है नहीं कर पाते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक एक करके भी कट कर सकते हैं, लेकिन इससे कम समय में हो जाता है इस तरह से कटिंग करने पर। और अगर आप एक एक करके करेंगे तो समय ज़्यादा लगता है। तो यहाँ से अब हम इसे भी सेट करेंगे, क्योंकि सेट करना कपड़ा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। कपड़ा ठीक से रखा हुआ हो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा टाइम देंगे, कपड़े को ठीक तरीके से सेट रखेंगे और फिर उसके बाद हम कटिंग करेंगे। इसमें ज़्यादा कटिंग नहीं करनी है आपको, सिर्फ आपको ऊपर से एक कटिंग करनी है और एक साइड में कटिंग करनी है जो मोरी से लेकर आसन तक जा रही है। बस यही कटिंग आपको इसमें करनी है और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि फिर क्या करना है। देखिए, मैं कपड़े को कितना संभाल कर रख रही हूँ, यहाँ पर आपको भी इसी तरह से करना है कपड़े को। कटिंग कर रही हूँ मैं ऊपर से इसकी। और यहाँ से मोहरी से भी आपको पूरी कटिंग करनी है। जो ये कपड़ा कटिंग हो रहा है, कटिंग में जो कपड़ा जा रहा है, इसे आपको फेंकना नहीं है, ये भी यूज में आएगा। इसका मैं अभी आपको बताऊंगी कि यूज कहाँ पर होगा। इसको अटैच करने पर आपका जो सलवार का जो घेरा है वो बहुत ही अच्छा होगा और फ्लेयर काफ़ी अच्छी आएगी। इसीलिए मैंने आपको ये तरीका बताया है कटिंग करने के लिए। इसमें कम कपड़ा भी होगा तो भी आपकी सलवार काफ़ी अच्छी लगेगी। आप इसी तरह से कोई भी सलवार कटिंग कर सकते हैं, चाहे बहुत ज़्यादा घेर वाली हो या पटियाला हो, कोई भी सलवार हो, आप इस मेथड से आप कटिंग कर सकते हैं। आपकी सलवार में कोई गलती नहीं होगी, बहुत ही अच्छी सलवार आपकी बनकर दिखेगी। तो देखिए, मैं ये जो कपड़ा मैं आपको बता देती हूँ किस तरह यूज में आएगा। मैं इस तरह से इसको लेंथ साइड में पकड़ूंगी, जहाँ से लंबाई है उसको मैं इस तरह से फोल्ड करके इसके साथ अटैच करूंगी। यहाँ मुझे इसको सिलना है। आप देखिए, ये भी फोर्थ फोल्ड है और सलवार का भी जो फोर्थ फोल्ड है उनमें आपको इसको अटैच करना है, यानी कि सिलना है। इसी तरह से आपको इसे सिलना है, क्योंकि यहाँ इतना चौड़ा तो आसन नहीं होना चाहिए ना, इसीलिए मैंने आपको 15 इंच बताया। और उसके बाद जो आसन आएगा 7 इंच आएगा। मैंने 8 इंच आसन लिया है। अगर कोई इंसान ज़्यादा पतला दुबला है तो उसके लिए 7 इंच आसन काफ़ी है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको सीधा निशान लगाना है और उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। यहाँ पर अगर आप चाहो तो मियानी भी लगा सकते हो, ना चाहो तो कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर मैं तो लगाने वाली हूँ यहाँ पर मियानी, लेकिन अगर आपको लगानी है तो आप लगा सकते हो, अगर आपको नहीं लगानी तो मत लगाइए, ये सिंपल सलवार भी बन जाएगी, लेकिन मियानी लगाने से ज़्यादा सही रहेगा। तो ये देखिए, ये फोर्थ फोल्ड में मैं इसको अभी कटिंग कर दूंगी। अभी डबल फोल्ड ही है ये, मैं इसको फोर्थ फोल्ड में इसकी कटिंग कर दूंगी, ठीक है। और इसकी जो चारों साइड है, सलवार की चारों साइड में आपको इसी तरह अटैच करना है, इसी तरह से सिलना है। और कपड़े की जब भी आप कटिंग करें तो हमेशा उस पर हाथ रखे करें, कभी कपड़े को उठाकर कटिंग ना करें, इससे कपड़े की गलत कटिंग हो जाती है। चलिए, यहाँ पर गाइज, यहाँ पर आप मियानी भी लगा सकते हैं, मैं तो लगाऊंगी क्योंकि बिना मियानी के सही से सलवार बन नहीं पाती है। तो अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, ना चाहें तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब गाइज, हो चुकी है हमारी सलवार की कटिंग कंप्लीट, अभी भी कुछ बाकी है, हमने अभी बेल्ट नहीं काटा है। तो बेल्ट के लिए देख लीजिए, कपड़ा काफ़ी सारा बच गया है, ये आधा मीटर से ज़्यादा कपड़ा हमारा बच गया है 2.5 मीटर के सलवार में। तो अब हम ऊपर से 9 इंच मार्क करेंगे। ये डबल फोल्ड है, आप भी डबल करके ही रखिएगा ना। और ये जो टोटल लंबाई है इसकी, ये है 25 इंच।
ठीक है गाइस, 25 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है, डबल फोल्ड है तो यानी कि 50 इंच हो गई पूरी अगर हम मेज़र करेंगे तो। वैसे तो डबल है तो 25 इंच ये बेल्ट की लेंथ लेंगे। इसी तरह से आपको इसका निशान लगा लेना है और इसी तरह से आपको कटिंग करना है। जो 25 इंच मैंने लिया है ये कंप्लीट है, जैसे कि इसमें कुछ आपको मार्जिन में जाएगा, कुछ सिलने में जाएगा, तो वो सब ऐड करके ये बन रहा है 25 इंच के करीब। तो इसी तरह से आपको भी लेना है, जितनी भी आपकी लंबाई है यानी कि कमर की जो भी लेंथ है उसी अकॉर्डिंग आप लीजिए और मार्जिन वगैरह सब कुछ इसमें ऐड करके ही रखिएगा। तो इसके बाद आपको आधा इंच ऊपर से मोड़ना और फिर उसके बाद इस तरह से मोड़ना। उससे पहले आप एक और चीज़ देख लीजिए, जो यहाँ पर आप सिलाई लगाएंगे उसके बाद जो कपड़ा साइड में रहेगा उसको आपको मोड़ना है, जिस तरह से आप पिक्चर में देख रहे हैं इस तरह से आपको मोड़ना है, यानी कि सिलाई लगानी है यहाँ पर आपको। ठीक है, दोनों तरफ से आपको इस तरह सिलना है और पीछे साइड में आपको सिंपल सिलाई लगानी है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रंट में आपको आधा इंच ऊपर से मोड़ना है और उसके बाद 1 इंच तक अंदर मोड़ना है। देखिए सिलाई बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, एकदम पतली पतली होनी चाहिए और एकदम कोने पे होनी चाहिए। पूरे राउंड में आप इसे लगा लीजिए, उसके बाद आप बेल्ट लगा लीजिए और आपकी सलवार हो जाएगी रेडी इस तरह से। तो गाइस देख लीजिए मैंने किस तरह से बनाया हुआ, आपको बिल्कुल इसी तरह से सिलाई करना है। गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों को। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा। और मैं तो आप लोगों के लिए इस तरह से नई नई वीडियोस लाती ही रहूँगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज़।